हेलो गाइस, सारे नू प्यार भरी सत श्री अकाल। वेलकम टू गिलज मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। गिलज मेंटोर दे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते एक बार फिर मैं तुहाडे सारयां दा तहे दिलों स्वागत करदा हाँ। गाइस, जिवें कि तुसी जानदे हो कि वार्ड अटेंडेंट दा एग्जाम जिहड़ा है वो ऐसे महीने होने वाला है, ते आपां बिल्कुल फ्री ऑफ कोस्ट जिहड़ा है यूट्यूब ते एक कोर्स दोस्तों तुहानू करवा रहे हैं घर बैठ के बिना एक भी पैसा खर्चे। तुसी पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो आपदे वार्ड अटेंडेंट की साढ़े यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, जिवें कि तुसी जानते हो कि पहला आपां इंपोर्टेंट क्लासा भी लगाइया ने, ते हुण जिहड़े है वो तुहाडे लाइव टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, डेली रूटीन अपना दोपहरे 3 बजे यह लाइव टेस्ट हुंदा है। अज अपना लाइव टेस्ट नंबर 3rd है जो कि आपां स्टार्ट करन वाले हाँ। इसलिए जिन्हें भी जने लाइव देख रहे हैं सारयां नूं रिक्वेस्ट है कि वीडियो नूं बिल्कुल लास्ट तक देखियो, तो अटैम्प्ट करन दी कोशिश करियो। असी वादा करते हाँ कि इस तों बाद तुहानूं एग्जाम विच कोई भी क्वेश्चन देखन नूं नहीं मिलेगा। ठीक है गाइज, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लैके आया हाँ तुहाडे लई। अज आपां जिवें कि तुसी जानते हो कि सिलेबस उन्होंने मैनशन किया है वार्ड अटेंडेंट का, कि एक तो 8वीं क्लास तक जिहड़ी GK आएगी वह, तो दूसरा आएगा जिहड़ा होम ते होस्पिटल केयर वास्ते जिन्हें भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अज आपां लैके आए हैं दोस्तों कि एक मरीज़ की होस्पिटल विच किस तरह आपां केयर रख सकते हैं एक वार्ड अटेंडेंट। ठीक है, चंगी तरह क्वेश्चन नूं समझो। ठीक है, जो मैं कहन जा रहा तो जवाब दियो, सारे ने जवाब देने हैं, चाहे किसी नूं आंदा चाहे नहीं आंदा, क्योंकि ट्राई करना बहुत जरूरी है। ठीक है गाइज, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज दी वीडियो दा। पहला क्वेश्चन यह है कि मरीज का निजी संवारना सेहत का एक जरूरी सूचक है, हाँ नहीं पता नहीं या फिर बिल्कुल नहीं। कि एक मरीज़ जदों अपने आप नूं निजी संवारदा है तां एक सेहत दा एक जरूरी सूचक है या नहीं, तुहानूं पता है या नहीं, दसो इहदा जवाब की आएगा। दोस्तों, अगर एक मरीज़ निजी संवारदा है अपने आप नूं तां एक इह सेहत दा एक जरूरी सूचक है। ठीक है, इहदा हाँ आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, सैकेंड क्वेश्चन है कि टाइटिंग दे दौरान मरीज़ दी मदद लई लोड़ींदे अपनाउण योग उपावां विच डैश शामिल हन। दोस्तों, ये कहन जा रहा है कि टाइटिंग दे दौरान मरीज़ दी आपां एक वार्ड अटेंडेंट की मदद कर सकदा है इन्हां विचों, दसो इहदा जवाब की आएगा। दुर्घटनावां लई पता लगाउणा, असंजम होण बारे दसना, ग्रैब रेलां अते टायलेट सीटां प्रदान करना, या फिर उपरोक्त सारे। दोस्तों, अगर टाइटिंग के दौरान मरीज़ की मदद लई दोस्तों ये सारे ही ऑप्शन जड़े है वो जरूरी ने। ठीक है, दुर्घटनावां लई पता लगाना भी जरूरी है। ठीक है, असमंजम होने बारे दसना भी, तो ग्रैब रेलां ते टायलेट सीटां भी प्रदान करनिया जरूरी ने। दोस्तों, अगर आप 3rd क्वेश्चन की गल करते हैं कि दवाइया लेंदे समय एक मरीज़ जदों दवाई लेंदा है तो उनकी निगरानी करना डैश की रोकथाम करता है, मतलब कि एक वार्ड अटेंडेंट नूं इन्हां विचों किहड़े किहड़े पॉइंट ध्यान रखने चाहिए ने जदों एक मरीज़ दवाई लै रहा होवे। ज़्यादा खुराक किते, मतलब कि वह गलती करके ज़्यादा खुराक तो नहीं लै रहा? ठीक है, दवाइयां लैन विच भुलता नहीं रहा? मरीज़ नूं सही मात्रा विच खुराक लै रहा कि नहीं, या फिर दोवें ए एंड बी? जिन्हें भी जने देख रहे ने इहदा जवाब देवो की आ सकता है। गाइज, दवाइयां लेंदे समय मरीज़ की निगरानी करन विच डैश की रोकथाम करता है, ऑप्शन नंबर तुहाडा आएगा डी, दोवें ए एंड बी। ज़्यादा खुराक ना लवे ते दवाइयां जड़ा है वो लैनियां भुले ना। ठीक है गाइज, जवाब दिंदे जाओ चाहे तुहानूं आंदा चाहे नहीं आंदा। ठीक है, ते कमेंट बॉक्स विच आपदे जिहड़े स्कोर है वह शेयर करना ना भुल्यो, ते एक कॉपी पेन ले लवो, जिन्हें भी क्वेश्चन ने उन्हें सारे नोट करते जाओ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि बैड बनाने का उद्देश्य डैश है, जब एक मरीज लई बैड बनवाया जाता है तो उनके विच कि चीज़ां ध्यान रखी जाए? ऑप्शन ए, सुख सुविधा बढ़ाना, कमाई बढ़ाना, एक मरीज़ के आराम, स्वच्छता और साफ सुथरी, दिख विच सुधार, या फिर उपरोक्त सारे। दसो इनका की जवाब आएगा। जिन्हें भी जने लाइव देख रहे हैं जवाब देवो। बैड बनाउण दा उद्देश डैश है सुख सुविधा वधाउणा, कमाई वधाउणा, एक मरीज़ दे आराम, स्वच्छता अते साफ सुथरी, दिख विच सुधार, या फिर उपरोक्त सारे।
दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह हैगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एक मरीज़ के आराम, स्वच्छता और साफ सुथरी दिख विच सुधार, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा इस क्वेश्चन का जवाब, याद रखियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैड बनाने वेले ध्यान दिता जाने वाला मुढ़ला सिद्धांत डैश करना है। दोस्तों एक बैड बनाने लगे इन्हां विचों किहड़ा चीज़ नूं ध्यान रखीदा है, ध्यान दिता जाने वाला मुढ़ला सिद्धांत किहड़ा है। सूखम जीवां लई स्रोतां दी रोकथाम, एक सुरक्षित अते आरामदायक बैड प्रदान करना, चंगा शरीरिक तंत्र या फिर उपरोक्त सारे। जवाब देवो की आ सकता है तुहाडे अकॉर्डिंग इसका आंसर। बैड बनाउन वेले ध्यान दिता जाने वाला मुढ़ला सिद्धांत डैश करना है, सूखम जीवां लई स्रोतां दी रोकथाम, एक सुरक्षित अते आरामदायक बैड प्रदान करना, चंगा शरीरिक तंत्र या फिर उपरोक्त सारे। थोड़ा दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सारे। यही सारिया चीज़ा ही ध्यान रखनिया पैंदियां ने एक मरीज़ के बैड नूं बनाउन लई, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लिनन की पूरी तब्दीली लई लोड़ींदियां चीज़ां डैश हन। गद्दे का कवर अते दो चादर, ड्रा चादर अते सिराने का गिलाफ, पलंग पोच या फिर उपरोक्त सारे। दोस्तों लीलन की तब्दीली लई लोड़ींदियां चीज़ां किहड़ियां ने, एक तो गद्दे का कवर अते दो चादर चाहीदियां ने, ड्रा चादर अते सिराने का गिलाफ चाहीदा ने, ते पलंग पोच चाहीदा है, ठीक है। इनका आंसर आएगा उपरोक्त सारे, ठीक है। आई होप तुहानू सारा कुछ समझ आ रहा होएगा ते तुसी आपदे अकॉर्डिंग जवाब भी दे पा रहे होंगे। दोस्तों वैरी इंपोर्टेंट है वार्ड अटेंडेंट वास्ते, ये सारे स्पैशली मैं इकट्ठे किए हैं ये क्वेश्चन वार्ड अटेंडेंट की वैकेंसी वास्ते, ठीक है गाइज। ऐसे तरह के ही एग्जाम में तुहानू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगे जवाब देवो, एक नमूने नूं ले जाण विच एक वार्ड अटेंडेंट की की भूमिका है। नमूने नूं इकट्ठा करना, पैकिंग करना, लेबल लगाना या फिर उपरोक्त सारे। दोस्तों अगर एक नमूना लेके जा रहा है वार्ड अटेंडेंट तो उनकी इन्हां विचों कौन भूमिका होएगी, नमूने नूं इकट्ठा करना, पैकिंग करना, लेबल लगाना या फिर उपरोक्त सारे। दोस्तों आई होप तुसी जवाब दे दिता होएगा, इनका आंसर आएगा उपरोक्त सारे ही जरूरी है, इकट्ठा करना भी, पैकिंग करना भी, ते लेबल लगाना भी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेकर नमूना सुभाव विच लाग वाला है तो कौन सावधानी लाजमी तौर पर लई जानी चाहिए है। नमूने की पैकिंग ते लाग का खतरा दसते हुए लेबल लाजमी तौर पर चिपकाना चाहिए है। पैकिंग लाजमी तौर पर प्रमाणित होनी चाहिए है और इस पर प्रमाणीकरण नंबर लग्या होना चाहिए है। थर्ड ऑप्शन है, नमूने की पैकिंग ते जेकर मिले तो ना खोलिया जाए दसते हुए हिदायत लाजमी तौर पर चिपकाई जानी चाहिए है या फिर उपरोक्त सारे। दोस्तों इनका की आंसर आएगा, जेकर नमूना सुभाव विच लाग वाला है तो इन्हां विचों कौन सावधानी चाहिए है। दोस्तों इन्दे विच उपरोक्त सारे ही ऑप्शन आएंगे, ठीक है। ये सारे ही जड़े इंपोर्टेंट पॉइंट है जड़े आपनों ध्यान विच रखने चाहिए ने, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौत की पुष्टि की जा सकती है जदों डैश रुक जाता है। दोस्तों एक मरीज़ की मौत की पुष्टि कदों की जाती है, सिर्फ दिमाग का काम करना, सिर्फ दिल अते फेफड़े का काम करना, सिर्फ किडनी का काम करना या फिर सारे शरीरिक कारज। दोस्तों ये तो सारे जानते हैं जदों शरीर विच सारे शरीरिक कारज बंद हो जाए उदों आपां मौत की पुष्टि कर सकते हैं, ठीक है गाइज। इहदा आएगा ऑप्शन नंबर डी। उस तो अगला क्वेश्चन है कि एक मरण आसन मरीज समय मरीज़ की अध्यात्मक जरूरतों नूं सहारा देने लई हेठ लिखिया विचों किहड़ा लाभकारी होवेगा। कुछ ना करो, बहुत ज़्यादा भावुक होना, उन्हां नूं अनदेखा करो, सहारा, हमदर्दी या फिर प्यार प्रदान करना। दोस्तों जिहड़ा एक मरीज़ है उनकी हालत बहुत गंभीर है तो तुसीं उनके लिए की कर सकते हो, इन्हां विचों कुछ नहीं कर सकते, उन्हां नूं अनदेखा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं या फिर सहारा, हमदर्दी या फिर प्यार प्रदान कर सकते हैं। तो सिंपल जी गल है, तुसी इनका जवाब दे पाओगे, इनका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें ज़्यादा तो ज़्यादा सहारा दो, हमदर्दी दो अते प्यार प्रदान करो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक मुर्दा घर विच किन्ने घंटे लाश रह सकती है। 24 घंटे, 52 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे।
दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन तुहानू बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक मुर्दा घर विच एक लाश एक डेड बॉडी किन्ने घंटे रह सकती है? 24, 48, 52, 72। तो दोस्तों ये मोस्टली 2 दिन रह सकती है। ठीक है, क्वेश्चन किमें भी आ सकता है, 48 घंटे दिता होएगा या फिर आएगा 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन। थोड़ा आंसर आएगा 48 घंटे, मतलब कि 2 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि आप इस वीडियो का देखने जा रहे हैं। मौत तो बाद मृतक के रिश्तेदारों को अधिकारियों तौर डैश प्रमाण पत्र लैन लई कहो। जन्म प्रमाण पत्र, मौत प्रमाण पत्र, हस्पताल प्रमाण पत्र या फिर उपरोक्त कोई नहीं। दोस्तों जो एक मरीज़ की मौत हो जाती है तो उनके रिश्तेदारों को अधिकारियों वालों की ऑर्डर दिता जाता है या फिर की प्रमाण पत्र लैन लई कहा जाता है? तो सिंपल जी गल है, मौत प्रमाण पत्र लैन लई कहा जाता है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वड्डियां एमरजेंसियां आम तौर पर हस्पतालों विच होने वाली अग सुरक्षा समस्यावां अते डैश के कारण होंदिया हन। दोस्तों हस्पतालों विच जिहड़ी एमरजेंसियां होंदिया ने वो अग सुरक्षा समस्यावां अते डैश के कारण होंदिया ने। कि हो सकती है? सड़क दुर्घटना, बिजली का झटका, डुबन या फिर उपरोक्त कोई नहीं। दसो जल्दी तो जल्दी इनका जवाब की आ सकता है। वड्डियां एमरजेंसियां आम तौर पर हस्पतालों विचों होने वाली अग सुरक्षा समस्यावां अते डैश के कारण होंदिया हन। होंदिया दोस्तों बिजली का झटका, ठीक है, जो अग लगती है, ठीक है, सुरक्षा समस्यावां जिहड़ियां खतरे च आ जांदियां है, तो हस्पतालों विच की है बिजली का झटका भी लग सकता है। ठीक है, अग अलार्म, अगला क्वेश्चन है, अग अलार्म की वरतों करन अते डैश लभन लई एक वार्ड अटेंडेंट नूं अग की रोकथाम लई ट्रेनिंग लाजमी तौर पर दिती जानी चाहिए है। दोस्तों इत्थे दसना है तुसी, इत्थे की आऊगा, अग अलार्म की वरतों करन अते डैश लभन लई बिजली माहर, रुख, एमरजेंसी निकासी रस्ते या फिर उपरोक्त कोई नहीं। दोस्तों जो एक हस्पताल विच अग लगती है तो वार्ड अटेंडेंट नूं सब तो पहला एमरजेंसी निकासी रस्ते लभने चाहिए ने। ठीक है, इनका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये एक तरह की तुहाडी ट्रेनिंग भी है वार्ड अटेंडेंट की कि तुहानू उत्थे जाके की काम करना है। इन्हां क्वेश्चंस नूं दोस्तों सोल्व करके तुहानू यह पता लगेगा कि तुहानू किहड़ा किहड़ा काम उत्थे जाके तुसीं करना है। जेकर ऑक्सीजन नाभ चालू है तो डैश वर्जित है, सोना, खाना, तंबाकू नोशी आऊगा इत्थे या फिर उपरोक्त कोई नहीं। जेकर तुहाडी ऑक्सीजन नाभ चालू है, तुहानूं आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दिती जा रही है तो डैश वर्जित है, सोना मना है, खाना मना है, तंबाकू लेना मना है या फिर उपरोक्त कोई नहीं है। तो सिंपल जी गल है, तुहाडा आंसर आएगा तंबाकू नोशी। ठीक है गाइज, मरीज दीआं जरूरतां नूं निर्धारित करन लई वार्ड अटेंडेंट नूं की करना चाहिदा है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो दा मरीज़ दीआं जरूरतां नूं निर्धारित करन लई वार्ड अटेंडेंट नूं की करना चाहिदा है? मरीज़ कॉल दे संकेतां दा जवाब देना, सिग्नल लाइटां दा जवाब देना, घंटियां जां इंटरकॉम प्रणालियां दा जवाब देना या फिर ये सारे? दोस्तों ये सारे पॉइंट ही एक वार्ड अटेंडेंट नूं ध्यान रखने चाहिए ने कि मरीज़ जिहड़ा है वो संकेत दे रहा है या फिर सिग्नल लाइट दे रहा है या फिर कोई घंटी बजा रहा है आपदी गल कहन लई। ठीक है गाइस, तां ये सारे ऑप्शन ही आणगे। इसी दोस्तों अज दे 15 क्वेश्चन आपां डिस्कस किए हैं। ठीक है, आई होप तुसी चंगी तरह वधिया अटैम्प्ट किया होगा, तुहाडे नंबर भी वधिया आए होणगे। प्लीज़ तुसी आपदे दोस्तों वध तों वध पार्टिसिपेट करो, आपदे जिहड़े नंबर है वो कमेंट बॉक्स में सानू शेयर करना ना भुल्लियो ताकि सानू भी पता लगे कि असी किन्नी तैयारी करवा पा रहे हैं बच्चों। तो जेकर वीडियो में कोई कमी है तो मैनू जरूर दस्यो। ठीक है, आपां उस कमी नूं पूरा चंगी तरह पूरा करांगे। ठीक है, या उस कमी नूं दूर करांगे। ठीक है गाइज, पढ़ते रहो, इनू रिपीट करते रहो वार वार वीडियो नूं ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा तुहानूं याद हो सके। ठीक है, एग्जाम तो पहला आपां हर रोज़ 3 बजे लाइव टैसट लिया करांगे। इसे तरह ही एक लाइव टैसट अपना सुबह 11 बजे होंदा है, एक होंदा है दुपहरे 3 बजे। तुसीं इहनूं जरूर रोज़ दोस्तों ज्वाइन करना है। वीडियो नूं लाइक करो ते आपदे फ्रेंड्स दे नाल भी ज़्यादा तो ज़्यादा इनू शेयर करया करो ताकि सारे इन्हां क्वेश्चन का लाभ उठा सकन। ठीक है गाइज, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिहड़े आपां डिस्कस कर रहे हैं। तुहाडे एग्जाम विच तुहानूं इन्हां विचों ही क्वेश्चन जरूर आणगे गाइज। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों कल ऐसे टाइम 3 बजे।
एक होर नवे क्वेश्चन के नाल। गॉड ब्लैस यू, टेक केयर।